नमस्कार, राष्ट्र आजकल लाइव बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कंचन राय लेकर आई हूं हमारा विशेष कार्यक्रम टॉप खबर फटाफट अंदाज। बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं बढ़ते हुए कोरोना खतरे से। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जनवरी के मध्य में भारत में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। पिछले ट्रेंड्स की एनालिसिस के बाद यह माना जा रहा है कि अगले 40 दिन देश के लिए मुश्किल होंगे। सूत्रों के मुताबिक देश में कोरोना की एक और लहर की स्थिति आ सकती है। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगदड़ मची, 8 लोगों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में बुधवार को भगदड़ मच गई। इसमें एक महिला समेत 8 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब कुंदुकुर में बुधवार शाम को नायडू की तेलुगु देशम पार्टी का रोड शो हो रहा था। इस दौरान भगदड़ मच गई, सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि रोड शो के दौरान नायडू की एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। भगदड़ के दौरान सीमेंट की रेलिंग टूट गई और कई लोग नहर में गिर गए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब कि एक आम इंसान को अगर किसी रोड शो में जाना है तो उसे अपनी जान की परवाह पहले करना पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक आम इंसान का ये आखिरी रोड शो बनकर रह जाए। और अब बारी है राजधानी भोपाल की, जहां एक ट्यूशन टीचर ने 5 साल की बच्ची का हाथ तोड़ दिया। पैरट यानी कि तोता की स्पेलिंग नहीं बता पाने पर ट्यूशन टीचर ने 5 साल की बच्ची का हाथ तोड़ डाला। उसे कई थप्पड़ भी मारे, बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला भोपाल के हबीबगंज इलाके का है, जहां बिजली घर के पास E6 अरेरा कॉलोनी में भानु प्रताप सिंह पुष्पा परिवार के साथ रहते हैं। तो अगर किसी शिक्षक के पास पेरेंट्स को भेजना पड़े तो उनको भी अब सोचना पड़ रहा है कि ट्यूशन के लिए टीचर के पास भेजें या नहीं, क्योंकि ऐसे ही मामले अगर बढ़ते गए तो पूरे देश में एक ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। अब एक नज़र डालते हैं ग्वालियर पर। ग्वालियर में कॉलेज संचालक के बेटे का हत्यारा 9 घंटे तक करता रहा गुमराह, फिर उगला सच। कॉलेज संचालक के बेटे की हत्या का मास्टरमाइंड कंप्यूटर ऑपरेटर बहुत शातिर है। 9 घंटे तक वह पुलिस को गुमराह करता रहा। रात 1 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक वारदात से अनजान बना रहा। पुलिस के सख्ती करने पर हत्या तो कबूल की, लेकिन 4 घंटे तक शव के बारे में नहीं बता पाया। आखिरकार वह टूट गया और उसने बताया, 2 राज्यों के विवाद में पुलिस उलझ जाए इसलिए झांसी के पास शव को जलाकर फेंक दिया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर 2 राज्यों के बीच अगर कोई हादसा हो जाता है तो किस राज्य की पुलिस उस केस को सुलझाने में काम करे। अब बात करते हैं SMS, चिट्ठियां और लेटर के बारे में। आजकल लेटर या चिट्ठी लिखने वालों को पुराने जमाने की सोच वाला मान लिया जाता है, पर केरल में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जहां आज भी रोज सादे पोस्ट कार्ड, स्क्वायर, लिफाफे, आसमानी नीले अंतर्देशीय पत्र बड़ी संख्या में आते हैं। ये सारे लेटर स्वामी अप्पन सबरीमला पोस्ट ऑफिस पिन कोड 689713 का पता लिखे होते हैं। यहाँ के पोस्टमास्टर अरुण पीएस के मुताबिक केरल के इस डाकघर में अभी भी भगवान अय्यप्पन को हर रोज 100 से 150 पत्र मिलते हैं। 1963 में स्थापित डाकघर कोविड के दौरान बंद कर दिया गया था, जो कि 20 जनवरी 2023 तक चलने वाले मंडला मकर बिल्लकू उत्सव को ध्यान में रखते हुए कुछ माह पहले खोल दिया गया है। पोस्टमास्टर अरुण कहते हैं कि साफ तौर पर तो नहीं कह सकते हैं कि अंतर्देशीय पत्रों और लिफाफों के अंदर क्या होता है, लेकिन इतना मालूम है कि लोग इन पत्रों के जरिए बीमारी या वित्तीय संकट को कम करने के लिए अय्यप्पन का आशीर्वाद मांगते हैं।
तो ये हमारे देश में परंपराएं सब अपने तरीके से निभाते हैं, हिंदू धर्म में हिंदू तरीके से, मुस्लिम धर्म में मुस्लिम तरीके से, और कई सारे धर्म हमारे देश में हैं जो अपने अपने तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये था हमारा आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में हम फिर नई खबरों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।